हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट आप यूट्यूब में कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से, और साथ साथ में आप आपकी इनकम को 10x कैसे कर सकते हो यूट्यूब से जो आप कमा रहे हो, उस साथ साथ उसमें और स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कैसे यूट्यूब से ऐड करके आप कैसे कमा सकते हो, आपकी ऑडियंस को कैसे आप और फिलफिल कर सकते हो, और उनको वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, और आपकी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को कैसे ऐड करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, यही टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहला कॉमन है, देखो मैं आपको 10 तरीके बताता हूँ जिनसे यूट्यूबर्स पैसे कमाते हैं। ठीक है, और जो नए यूट्यूबर्स रहते हैं ना, सिर्फ दो दो तरीके से ही पैसे कमाते हैं। स्टार्टिंग में जो नए यूट्यूबर्स रहते हैं ना, दो 1 लाख 1 मिलियन है या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर है, जो जितने भी है ना, मुश्किल से दो मैक्सिमम सोर्स से पैसे कमाते हैं। बट जो यूट्यूब को एक बार समझ जाते हैं, मिनिमम यूट्यूब से ही 4 से 5 तरीके से रुपए कमाते हैं। यूट्यूब के एडसेंस से तो रुपए आती है, बट उसके साथ साथ और भी चीजों से भी रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ। देखो, पहला कॉमन है कि यूट्यूब से एडसेंस, जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और 3,000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, या 3 मिलियन शॉर्ट्स भी आ जाते हैं ना, वो हो जाने के बाद आपका एडसेंस अकाउंट हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपके आने लगते हैं यूट्यूब से रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रहता है यूट्यूबर्स का एडसेंस। ठीक है, सेकंड रहता है प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे ना, आपको स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स और कहते हैं प्रमोशंस मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप करते जाओगे, वहां से भी आप एक इनकम सोर्स बना सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू इट। देखो, स्टार्टिंग में जो नए नए यूट्यूबर्स रहते हैं ना, वो झिझकते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। देखो, प्रॉपर वे में सारी चीजें कंसल्ट करके एक अलग ईमेल से करो। देखो, जरूर नहीं, देखो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, जो नए नए यूट्यूबर्स रहते हैं ना, वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो उनका चैनल ना उड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक अनादर ईमेल ऐड करके रखो। जो आपका चैनल है, जिस ईमेल से आपके ई चैनल है, उस ईमेल को आपकी जो कम्युनिटी टैब में डालो ही मत, जो आपको कांटेक्ट करने के लिए रहता है अबाउट डिटेल्स में, अबाउट अस में। ठीक है, तो वहां पे वो मत डालो। तो इसका क्या करना है आपको, सीधा सीधा सा एक काम करना है आपको, कि आपको दूसरा ईमेल रख देना है वहां पे। ठीक है, जो प्रमोशन ब्रांड डील्स आएंगे, आप उनसे बात करना प्रॉपर वे में। डिस्कस करने के बाद जब डील क्लोज हो जाए, पैसे आ जाए 50%, उसके बाद ही डील करना। ठीक है, नेक्स्ट की टेक अवे, मतलब नेक्स्ट वे ऑफ इनकम, एफिलिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो एफिलिएट प्रोडक्ट बहुत टाइप के आते हैं। देखो, बहुत सारे, जैसे कि आप अमेजोन से कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का वो बन सकते हो एफिलिएट, एफिलिएट लेकर उनसे, वहां से आपको जो भी आप कैमरा यूज कर रहे हो, जो भी माइक यूज कर रहे हो, जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हो, जो भी मोबाइल यूज कर रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दो। लोग जाएंगे, बाय भले ही ना करें, जैसे कि रिंग लाइट हो गई आपकी। ठीक है, और रिंग लाइट के अलावा जो लाइट्स आप यूज करते हो, वो सारी लाइट्स आप प्रॉपर, जितना भी स्टूडियो का माल है, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में पटक दो, लिंक पटको। ठीक है, भले ही वो आप जो रिंग लाइट यूज कर रहे हो, वो भले ही बाय ना करे, एक बार वो क्लिक कर देना, जैसे कि वो अमेजोन पे जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगले 24 घंटे में जो भी प्रोडक्ट बाय करने वाले होते हैं ना, तो वो कुछ भी प्रोडक्ट बाय करें, चाहे 10,000 रुपये का, चाहे 5,000 रुपये का, चाहे 5 रुपये का, 50 रुपये का। ठीक है, तो उसका आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो उससे समझो कि एक एफिलिएट प्रोडक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो सेलिंग। ठीक है, आपके लिंक्स में आपको कुछ नहीं करना है, एक ये स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ जाएगी, सिर्फ एक एफिलिएट प्रोडक्ट स्टार्ट करना। ठीक है, फोर्थ, लॉन्चिंग योर कोर्स। ठीक है, आप बात समझो, अगर आप देखो टेक्निकली वीडियो बताते हो, टेक्निकल जैसी जैसे कोडिंग से रिलेटेड, या ठीक है अगर आपकी इंग्लिश बहुत शानदार है, आपको इंग्लिश सिखाने में मजा आता है, तो आप इंग्लिश से रिलेटेड एक कोर्स बना सकते हो, 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का। ठीक है, जो आपकी ऑडियंस, एक्चुअल ऑडियंस है, वो प्रोडक्ट्स बाय करेगी। ठीक है, तो उस तरीके का कोर्स क्रिएट कर सकते हो जिससे कि लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो और प्रॉपर उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, ना कि ऐसा कि आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है 50 रुपए की और आप उसको बेच रहे हो 50,000 रुपए में। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपकी कोर्स, अगर उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर रहा है, उनको सीखने को मिल रहा है, तो प्रॉपर आपको वो कोर्स सेल करना है। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि ये चाहिए, तो फिर मत करना। बट ये एक स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ऐड कर सकते हो, बस सीधी सीधी बात है। देखो, अगर आप प्रॉपर अच्छी वैल्यू एड करके, आपको अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज है, अगर प्रॉपर कोर्स सेल करो, तो बिकेंगे भी और लोग बाय भी करेंगे, ये स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारी हो चुकी है 4। ठीक है, अब 5 भी आती है, गोल्ड गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम ऑडियंस। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं आपको किस तरीके के ऑर्डर ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, जैसे कि अगर आपके फैमिली बिजनेस है, या पर्टिकुलर परफ्यूम की शॉप है, या फिर आपकी कुछ भी हो, कंप्यूटर्स की शॉप हो आपकी, मतलब जो भी, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स रहते हैं जो उनके घर का बिजनेस बहुत शानदार रहता है उनका। ठीक है, बट वो क्या करते हैं कि वो चीजों को शो नहीं करते। ठीक है, अगर आप शो करोगे, ठीक है, उन चीजों को, तो वहां से आपकी सेल्स, जो पापा आपके महीने भर में सेल्स कर पा रहे हैं ना,
वो आपके सिर्फ एक वीडियो से सेल्स हो जाएगा। अगर यार आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बता रहे हो और यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे वहां से आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी। देखो आप, देखो आपकी वीडियोस बनाना आपका वैल्यू देना काम है, ठीक है, बट उसके साथ साथ एक चीज छोटी सी काम कर दोगे ना, आप जो भी यूज चीज यूज कर रहे हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो। अगर आपका दोस्त का भी बिजनेस है ना, तो वो भी आपको कुछ कमीशन दे देगा, ठीक है। तो देखो रियल वैल्यू अगर ऐड हो रही है, देखो जैसे कि अगर आप प्रॉपर, तो बहुत सारी लाइट्स रहती हैं, देखो अगर आप लोग अमेजोन पे जाके बाय करते हैं ना, बहुत सारी महंगी महंगी लाइट्स आती हैं, ठीक है, बट कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं ना, सेकंड टीयर सिटी रहती है, वहां पे लाइट्स बहुत चीप मिल जाती है, सस्ती, 100 सौ 150 रुपये में, ठीक है। और जो आप खुद लाइट यूज कर रहे हो, अगर वो उनको प्रोडक्ट सेल बता दोगे, ठीक है, तो वो वहां से ऑर्डर कर सकेंगे। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइट रहती हैं, लाइट्स रहती हैं, वो भी आप एक तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये पांच हो गए, ठीक है। छठवा, प्रमोटिंग योर एंड योर फैमिली बिजनेस, ठीक है, ये बहुत डीप है, देखो ये बहुत कम लोग करते हैं, बट मैं आपको बोलूँ कि ये आप कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि मेरे एक दोस्त है, ठीक है, और वो हमारे गांव के ही हैं, मतलब गांव के, हमारे गांव से 21 किलोमीटर दूर है, उनके यूट्यूब पे हैं कितने सब्सक्राइबर, लगभग 86,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। उनके पापा क्या करते हैं, ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट जो रहते हैं ना, वो ओल्ड टाइप के 1990 2000 के जमाने में चलते थे, ठीक है। अभी भी लोगों का एंटिक रखने का और उस तरीके के गाने सुनने का बहुत शौक रहता है, ठीक है। तो वो उस तरीके के गैजेट सेल करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं टिप्स, ठीक है, वो बहुत सारी आती हैं, ठीक है, तो वो मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, एम्पलीफायर वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। वो यूट्यूब से इतना कमाते हैं, मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए यूट्यूब से कमाते हैं वो, ठीक है। वो अंकल राजा बाबू नहीं सर आए, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। और जो कैसेट्स वगैरह सेल करके वो उससे भी ज्यादा रुपए कमा लेते हैं, 25 से 30 हजार वहां पे कमा लेते हैं, लगभग 30-35 हजार रुपये वहां से वो कमा लेते हैं, लगभग 50 से 60 हजार रुपये वो ईजी इनकम करते हैं, भले ही उनके 86,000 सब्सक्राइबर है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके यूट्यूब से ही आप एड्स कर सकते हो, स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बहुत सारी, ठीक है। सेवेंथ की क्रिएट एंड सेल मर्चेंडाइज। देखो भाई, आप जिस टॉपिक पे, जो भी आपके चैनल्स के कॉर्ड्स हो, जो आप बोलते हो, जो पंच लाइन हो, ठीक है, उनको क्या करना है, सिर्फ मर्चेंडाइज क्रिएट करनी है। और मर्चेंडाइज एक बार आप क्रिएट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग बाय करेंगे, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में लोगों को दिखाएगी, ठीक है। तो मतलब भले ही छोटा पैसा है, बट आना तो चालू होगा ना, तो छोटा छोटा ही पैसा बड़ा होता है। एक बड़ा अमाउंट तभी आप क्रिएट कर पाओगे, तभी आप लाखों में रुपए कमा पाओगे, इस चीज को समझो, ठीक है। नेक्स्ट, एट, कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर्स और देखो, द कोलैबोरेट विद, आपको दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, पीआर एजेंसीज रहती है ना, देखो अगर आपकी यूट्यूब पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है, और अगर आप किसी भी पीआर एजेंसी को बोलते हो कि आप पॉडकास्ट करना चाहते हो, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो बनना चाहते हो, किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हो ना, तो उसका चीज समझो, पीआर करने के लिए जो एजेंसीज है, कम से कम मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 25 से 30 हजार रुपए एक वीडियो का, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है और आपके 40-50 हजार, 20 हजार, 15 हजार व्यू आ रहे हैं, इतना वो पे करती है, ठीक है। तो आप पेड प्रमोशन करोगे, सामने वाला बंदा आपको आपकी वीडियो, आपके चैनल्स पे आपकी वीडियो में आने का पैसा देगा, और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। और अभी देखो ना, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े फेमस चैनल है ना, अभी कोई भी पर्टिकुलर ले लो, ठीक है, वहां पे भी पीआर एजेंसी यही सेम काम करती है, सेम काम करती है, बट वो वहां पे अमाउंट हो जाता है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस लेवल पे पहुंच जाता है। अगर आपने किसी भी बंदे को, किसी के बंदे का पॉडकास्ट कभी भी नहीं सुना, किसी बंदे को कभी आप जानते ही नहीं हो, ठीक है, और अचानक से आप उसके बारे में देखो कि जैन जी मिलियनर, प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है, फलाना ढिकाना, तो समझ जाओ कि ये पीआर का काम है, पैसे के साथ साथ प्रमोशन हुआ। तो ऐसा भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप कर सकते हो, बढ़िया पैसा आए, तो घबराना नहीं है। पहले तो आपको देखो आप कहाँ से रुपए कम निकाल सकते हो, आपका चैनल तो आपने ग्रो कर लिया ना, बट आप पैसे पे फोकस करो, पैसे से और पैसा कैसे बना, ठीक है। तो अब अगला आता है नाइन्थ, ऑफर चैनल मेंबरशिप। देखो आपकी चैनल्स की मेंबरशिप तो ठीक रहती है, आप वहाँ पे जो आपके चैनल को ज्वाइन करते हैं, एक वो मेंबरशिप, ठीक है, बट आप एक क्या कर सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर सकते हो, जो प्रीमियम लोग रहते हैं ना, वो आपके साथ कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, कॉल पे बात करना, या फिर पर्टिकुलर चीज़ पर उनको डिस्कस करना हो, आपसे पर्टिकुलर बात करना हो, एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना सकते हो जो प्रीमियम, उस पे आप जो भी आपके लगे, 99 रुपये, 999 रुपये, 499 रुपये, जो भी आप उस चीज की चार्जेस रखो, तो उस वे में भी आप वहां से भी स्ट्रीम ऐड कर सकते हो, कहते हैं एक इनकम स्ट्रीम, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एसएमएम एजेंसी एंड इंफॉर्मेशन,
ठीक है। तो ऐसे में एजेंसी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जितना आप ये सारी नो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम से कमाओगे ना, उतना ऐसे में एजेंसी से कमा लोगे, अगर आप सही तरीके से उसको प्रमोट कर पाए यूट्यूब पर। ठीक है, आपके आप मान के चलिए 5 लाख सब्सक्राइबर हैं या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो अगर आप समझो वहां पे उस लेवल पे पहुंच के अगर आप आपकी एजेंसी का प्रमोशन करते हो ना, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस रहते हैं जो आपके यूट्यूबर्स हैं, वो खुद का जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं, वो खुद का बिजनेस प्रमोट करवाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वहां से आप इजीली एक अच्छा बड़ा अमाउंट इनकम उठा सकते हो। फ्री में मार्केटिंग है, आपकी एजेंसी है, आप आराम से पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ही तो खुद का ही प्रमोशन करना है। ठीक है, तो प्रमोशन करने में घबराना नहीं, तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये 10 बता दिए और भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक और वीडियो डिटेल बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आपसे एक बात बोलूंगा, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।